बिहार में जगह जगह छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आईटीआई की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। भोजपुर में छात्रों ने आईटीआई की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी कर जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने कहा कि पहले की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं किए हैं और जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हें दोबारा कराया जा रहा है। वहीं सड़क के जाम होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीन बार हम लोग का आईटीआई एग्जाम कैंसिल हो गया, तीसरे बारे कैंसिल हो, हम कितना बार परीक्षा देते रहेंगे, हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे। यही काम है कि पूरे मतलब लगातार परीक्षा कैंसिल किया जा रहा है। वहीं बक्सर में भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। आईटीआई की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने वीर कुंवर सिंह चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। वहीं छात्रों ने बताया कि बार बार सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए शुल्क लिया जाता है और हर बार परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। परीक्षा देंगे, हम लोगों का जो आयु है वो बीतते जा रहा है। अब तक हम लोग अप्रेंटिस करते होते या कुछ कार्य करते होते, कहीं जॉब करते होते, खाली आईटीआई आईटीआई का परीक्षा दे के हम लोग क्या करेंगे, खाली परीक्षा दे रहे हैं। हम लोग साथ भविष्य का शुरुआत है। नालंदा में भी छात्रों ने जमकर विरोध किया है। सैकड़ों छात्रों ने शहर के अस्पताल चौक पर जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ उग्र छात्रों ने कई वाहन चालकों की पिटाई भी कर दी है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज कर वहां से उन्हें भगाया। तीन बार एग्जाम दिया जा रहा है, रिजल्ट रद्द कर दे रहा है, एग्जाम कर दे रहा है। हम लोग परेशान हो गए, अगली बार कैसे हम लोग एग्जाम दे। बार बार एक ही चीज का एग्जाम हो रहा है, एक चीज उसी का एग्जाम हो रहा है। तीन चार बार चला हर एक सेमेस्टर रद्द कर दे रहा है। भारत बिहार सरकार भारत सरकार दोनों मिल के ऐसे कर रहा है, चलते हम लोग एग्जाम लगा रहे हैं। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन से शहर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब देखना होगा कि प्रशासन छात्रों के इस मांग को पूरा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।